हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपीएससी लर्निंग प्रोग्राम एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 5। टाइटल है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इससे पहले हमने चार जो चैप्टर हैं, फोर जो चैप्टर वो कवर कर लिए हैं। उनके लिंक जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, अगर आप नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। आज की वीडियो के थ्रू हम कवर करने वाले चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इट मीन्स यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वन, और जो वन जीवन है, वनों में जो जीवन पाया जाता है, इट मीन जो जंगली जानवर है, उनको पढ़ने वाले हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ के अंदर कौन कौन सी जो है, वेजिटेशन के अंदर कौन कौन सी जो टाइप्स हैं, वाइल्ड लाइफ के अंदर कौन से जो टाइप्स हैं, उन सबको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियोज़ के या इस चैप्टर के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहली लाइन क्या कहती है। जैसा कि आपको टाइटल से अज्यूम हो रहा होगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हम वनों को और जंगली जानवरों के बारे में पढ़ेंगे कि वनों को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे इनका दोहन हो रहा है, जंगली जानवरों का क्या हाल है, उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है उनके कैसे वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इन सबको कवर करने वाला है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ एंड इट्स एलिमेंट्स अफेक्ट लाइफ ऑफ ह्यूमन एज वेल एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पर आपको सीधी सी बात बोलता है कि जो भी फिजिकल और बायोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है अर्थ के ऊपर, इट मीन्स पृथ्वी के ऊपर जो भी भौतिक और जो जैविक जो परिवेश पाया जाता है, तथा उनके जो फैक्टर्स हैं, उनके जो कारक हैं, किनके भौतिक और जैविक परिवेश के जो कारक हैं, उन कारकों का प्रभाव मानव सहित समस्त जीव जंतुओं के ऊपर पड़ता है। कहीं ना कहीं जो भी पाए जाते हैं उनका अफेक्ट जो है लाइफ जो ह्यूमन, चाहे ह्यूमन की लाइफ हो, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ हो, उन सब का इफेक्ट जो है उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं गिरता है। आगे बात करते हैं तो कहते हैं क्लाइमेट, सोयल, टोपोग्राफी, फ्लोरा एंड फ्यूना एक्सेट्रा आर एलिमेंट्स ऑफ फैक्टर ऑफ दिस एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो कौन कौन सी चीज़ें आती है फैक्टर के अंदर देखें, तो वो क्लाइमेट हुई, जलवायु हुई, सोयल, मृदा या टोपोग्राफी, स्थलाकृति, वनस्पति, जीव जंतु आदि, इसी परिवेश के विभिन्न क्या एक तरीके से फैक्टर हैं स्टूडेंट्स, हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर। आगे हम बात करें फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स क्या होता है अभी मैंने बताया, फिर बता देता। फ्लोरा मीन्स होता है वनस्पति, जो प्लांट कम्युनिटी होती है। फ्यूना जो होता है जो जंगली जानवर होते हैं, जीव जंतु, उनको बोला जाता है। आगे कहते हैं दीज एलिमेंट्स ऑफ फैक्टर्स कम टुगेदर टू फॉर्म एन एनवायरनमेंट नोन एज क्लाइमेट। और आगे आपको बताता है क्या कि कहता है कि ये जो सारे जो फैक्टर्स हैं या जो कारक हैं, एक दूसरे से मिलकर एक परिवेश का निर्माण करते हैं, कहने जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, एनवायरनमेंट नोन एज क्लाइमेट। और कहता है जो अन्य जो परिवेश होते हैं उनसे कहीं ना कहीं डिफर होता है, भिन्न होता है। मैन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज क्लाइमेट। और आगे अगर बात करें तो मनुष्य जो है वो तो कहते हैं पर्यावरण का एक तरीके से क्या, एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है, अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। और आगे बात करते हैं, देखो क्या कहता है, आगे कहता है मैन प्रोक्योर्स आइटम्स ऑफ हिज रिक्वायरमेंट फ्रॉम हिज सराउंडिंग्स। इन दिस प्रोसेस मैन हैज एक्सप्लॉयटेड द नेचुरल रिसोर्सेज एंड डैमेज एनवायरमेंट एंड हिम टू। देखो बिल्कुल सही बात कहता है कि मनुष्य क्या करता है, अपने उपयोग की वस्तुएं अपने आसपास के परिवेश से ही प्राप्त की है मनुष्य ने, ये बात तो सही है। और मनुष्य की क्या है इस प्रक्रिया, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य ने प्रकृति के द्वारा जो भी हमें नेचुरल जो रिसोर्सेज मिले हैं, प्राकृतिक जो संसाधन मिले हैं, उनका हमने बहुत ज़्यादा दोहन किया, अति दोहन किया है। और अति दोहन करके हमने पर्यावरण का और श्रम का भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमने क्या किया, हार्म किया, नुकसान किया है। और साथ ही हम बात करें तो मनुष्य ने अपने परिवेश की सिक्योरिटी के लिए या उसे कहीं ना कहीं बेटर बनाने की भी कहीं ना कहीं खूब ज़्यादा चेष्टा की है, तो उसने फिर नेचुरल जो हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास वगैरह को डैमेज किया, पेड़ों को काटा। इसके अलावा आगे हम बात करें, इन द अर्लियर चैप्टर वी हैव लर्नड इन डिटेल अबाउट क्लाइमेट, लैंड एंड वाटर। और कहते हैं पिछले जो चैप्टर थे उसमें हमने जलवायु, भूमि और जल के बारे में विस्तार से भी पढ़ा था। इस अध्याय के अंदर या इस चैप्टर के अंदर हम स्टूडेंट्स बात करें तो हम पढ़ने वाले क्या, इसमें हम पढ़ने वाले कहता है इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड मैंस एफर्ट्स टू कंजर्व दीज कंपोनेंट्स। और कहते हैं इस जो यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम जो एनवायरनमेंट के जो भी जो मेजर जो फैक्टर्स हैं वन और वन जीवन के साथ, मानव के द्वारा उनकी जो कंजर्वेशन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, मानव कैसे जंगली जानवरों को और जंगलों को बचाने की कोशिश करता है, तो उन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया फ्लोरल टेरेंस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जो वनस्पतिक प्रदेश हैं, वनस्पतिक जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वनस्पति जो क्षेत्र हैं उनके बारे में, उन टेरेंस के बारे में बात करेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले देखा जाए तो आर्कटिक ओशन आपको दिखाएगा ऊपर, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ, ये सारी चीज़ें तो आप पहले देख चुके हैं।
तो इस तरीके से जो कहता है हम बात करेंगे अगले जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हम इस चीज़ को पूरे के पूरे कवर करने की कोशिश करेंगे और उसमें हम जानेंगे कि वेजिटेशन क्या होती है, वनस्पति क्या होती है, किस प्रकार उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर तो आप इस पिक के अंदर तो आप ये देख सकते हैं कि टुंड्रा जो वनस्पति वो कहाँ पाई जाती है, कोणधारी जो वन है जिसको हम कोनिकल फॉरेस्ट बोलते हैं, या ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट जो है जिनको चौड़ी पत्तियों वाले वन कहते हैं, या इक्वेटर ओशियंस फॉरेस्ट जो है भूमध्यरेखीय सागरीय वन जो हैं तो वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ क्या पाया जाता है, इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बनाकर उसको समझाया गया है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 5 आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए। और तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। गुड बाय।